बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हज़म मौला हाज़िर ख़िदमत, एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि ज़हनी सुकून हो और जिस्म की हर चीज़ सेहतमंद काम कर रही हो, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, जिगर हो, गुर्दे हों, फेफड़े हों और हमारी स्किन हो। हमने दो दिन पहले बात की थी फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन के वाले से, और उसमें हमने बात की थी हेल्दी स्किन के लिए कि आप अपनी स्किन को कैसे साफ़, शफाफ और हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन तमाम स्किन के लिए जिनके स्किन प्रॉब्लम्स हैं, खुसूसन एक्नी का प्रॉब्लम है। ये वो प्रॉब्लम है जो कि बहुत आम सा मसला है और स्पेशली टीन एजर्स में या नौजवानों का ये बहुत कॉमन सा मसला है। और इस हवाले से बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम होते भी रहते हैं, बहुत सारे इलाज बताए भी जाते हैं, बहुत सारे टोटके भी मशहूर हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्नी के हवाले से, एक्नी होती क्यों है, एक्नी अगर नहीं है तो उससे कैसे बच सकते हैं, और अगर एक्नी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, या फिर एक्नी जो है वो सही नहीं हो रही हो, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा दिया हो तो फिर क्या करें, या एक्नी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, स्कारिंग हो गई हो, गड़े पड़ गए हों, या बहुत ज़्यादा सीवियर एक्नी हो तो उसमें क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको बताया कि उस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं और आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवाल, अपने शुबात के साथ। नंबर है 3530578 और 79। कराची से बाहर की व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। दो बातें, एक तो ये कि जो भी कॉल कर रहे हैं, दरख्वास्त ये कि अगर स्किन प्रॉब्लम खसूस एक्नी के हवाले से हो तो बहुत अच्छी बात होगी, और दूसरा ये कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिएगा। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। ये वो मेहमान हैं, उनको अब तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जितने मैंने प्रोग्राम किए हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास ये मेहमान आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है डिमांड भी इनकी है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और शायद हमेशा जब आते हैं तो मैं इनसे बहुत सीखता हूँ, खुसूसी तौर पे क्योंकि डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी आते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ी बात है, और वाकई जिस खलूस नियत से ये खिदमत करते हैं अपने मरीज़ों की, इंसानियत की, वो बहुत काबिल तहसीन हैं। डॉक्टर जावेद वसीम साहब, डॉक्टर साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी हैं, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का ताल्लुक है, और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तवज्जो से आपकी क्लिनिक ऑनलाइन के तहत बाखबर और बाशऊर नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, सब ने दिल में वालेकुम सलाम या मुँह से कह दिया होगा, और आवाज़ भी आ रही, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले एक्नी, एक्नी पे क्योंकि बहुत बातें हुई हैं, बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन उन तमाम व्यूअर्स को जिनको अभी एक्नी का नहीं पता है उनको बताएं ये एक्नी होती क्या है। देखिए, एक्नी के बारे में शायद आपको याद होगा हमने 2-3 मुसलसल प्रोग्राम किए थे उसमें किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ और मिथ्स और टोटके कहानियाँ मौजूद हैं के तहत तक पहुँचना मुश्किल है। देखिए, बुनियादी तौर पर बुनियादी बात समझते हैं, कुछ गुदूद होते हैं जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं, जिनको हम सिंपली ऑयल ग्लैंड्स या तेल पैदा करने वाले गुदूद कह सकते हैं, उनका नाम सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। इनका काम क्या होता है जिस्म में जी? सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है? सेबेशियस ग्लैंड का बेसिकली काम होता है कुछ चिकनाई पैदा करते हैं, ताकि जिस्म की जो खाल है वो खुश्क ना रहे। अच्छा। कुछ रुतुबत रहे, जैसे हम वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, वो अंदरूनी वही काम करती है, कुछ रुतुबत पैदा करती है, जिस्म को चिकना रखती है। मॉइस्चराइजिंग है ये, एक तरह से नेचुरल मॉइस्चराइजर। एग्जैक्टली, लेकिन कुछ लोगों में वो ओवर एक्टिव कर लेता है, बलूगत में, एडल्टहुड में, जो भी आप उम्र कह लें 13 से 14 साल के दरमियान वो ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और एक चिकनाई प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सीबम कहते हैं। बात ये समझने की है कि ग्लैंड्स एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ग्लैंड्स 30, 35, 40 साल की उम्र तक अपना काम करते रहते हैं, यानी कि वो रुतुबत निकलती रहती है, कुछ लोगों में इससे भी ज़्यादा। जब तक वो ग्लैंड्स अपना काम करते रहेंगे जल्द चिकनी रहती है। ये समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों को एक्नी होती उनका दौरानिया अक्सर इतना रहता है। अगर पुराने ज़माने में जैसे नानियाँ या दादियाँ कहा करती थी कि हाँ उम्र का तकाजा, एक तरह से वो सही कहती थी कि पीरियड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका इलाज ना किया जाए। हर ऑयली स्किन वाले को एक्नी नहीं होती, लेकिन ख़ास तौर पे चेहरे पे एक्नी या ऑयल जो तेल है ये डिटरमिन करता है कि इंसान की जल्द कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा चिकनी जल्द है, उसको कहते हैं ऑयली स्किन है। अगर
ऑयल बहुत ज़्यादा है, सेबेशियस ग्लैंड बहुत कम है, होता हर एक में, उसकी कार्रवाई कम है तो कहते हैं खुश्क जल्द है। कुछ लोगों में जिसको टी एरिया ऑफ द फेस कहते हैं, चेहरे का ये और ये, वहाँ कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनको कहते हैं मिक्स स्किन है। ये इस ग्लैंड्स की एक्टिविटी की बेसिस पर स्किन की टाइप डिटरमिन की जाती है, उस लिहाज से उसका आगे इस्तेमाल देखा जाता है। ये तो आपने वो प्रोसेस बता दिया जिसकी वजह से एक्नी हो रही है, क्या कोई वजूहात भी होती हैं, चेहरे की सफाई ना रखना या खाने पीने की कुछ मोटापा या खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ खाना जिससे एक्नी होती हो? देखिए बज़ाहिर होता ये है कि खाने के बारे में बहुत ज़्यादा तोहमात मशहूर हैं, लेकिन बज़ाहिर खाने से किसी बज़ाहिरात किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं होता। लोगों में एक बहुत सारे मेरे पास ऐसे तालिबे इल्म आते हैं, लड़के लड़कियाँ आते हैं जिन्होंने सालों से रमज़ान में समोसे पकोड़े का मज़ा नहीं चखा होता, इमली की चटनी नहीं खाई होती, इस वजह से कि उनकी दादी या नानी का ख्याल होता है कि खट्टी या तेल वाली चीज़ों से एक्नी ख़राब होती। ऐसा कोई मेडिकल तस्वर नहीं है। देखें एक्नी जो है ना दुनिया में बिलियन डॉलर बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्नी एक मेजर है। हर तकरीबन 70-90% टीन्स में तकरीबन हर एक को एक्नी वर्ल्ड वाइड सब मेजर कॉम्पोनेंट, तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए हर तरह की रिसर्च होती है। अभी तक कोई फूड रिलेशनशिप नहीं हुआ है, अलबत्ता हम ये कहते हैं जो कोला कंटेनिंग थिंग्स होती हैं, जो कोका कंटेनिंग थिंग्स होती हैं, कॉफ़ी चॉकलेट, उनको अवॉइड करें, वो सेबेशियस ग्लैंड्स की पैदावार थोड़ी बढ़ाती है, थोड़ी चिकनाई बढ़ाती है। और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होती हैं, ये उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है। तो अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं या कोला ड्रिंक्स हैं, क्या ये एक्नी की पैदावार का सबब बनती हैं या ये ऑलरेडी जो एक्नी मौजूद होती है उसको ख़राब करती हैं? ऑलरेडी जो एक्नी प्रोड्यूस होती है उसको ख़राब करती है, एक्नी की पैदावार का वजह नहीं। एक्नी की तो मैंने बताया ग्लैंड है, ग्लैंड जो एक्सोजेनस हार्मोन्स हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी एक्टिवेशन से स्टिमुलेट होती है, वो स्टिमुलेट उसको एग्रवेट करती है, कुछ एग्रवेटिंग फैक्टर्स हैं जो उसको एग्रवेट करते हैं। उसके अलावा जो मजीद एग्रवेटिंग फैक्टर्स एक्नी के हैं वो तीन चार बहुत मेजर हैं। एक तो कॉस्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कॉस्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्मेटिक्स क्या करती है कि एक्नी का जो सेबेशियस ग्लैंड है वो हेयर फॉलिकल के साथ बालों के सुराख के साथ एग्जिस्ट करता है। जब आपने कोई कॉस्मेटिक अप्लाई किया वो पोर बंद हो जाता है जहाँ से बाल निकलता है, उसके नतीजे में जो एक्नी की सिक्रीशन है वो बजाय बाहर निकलने के वो वहीं रहती है, जिसके नतीजे में वहाँ आपने देखा होगा जो पिंपल बन जाते हैं बड़े जी, वो जी। उसकी वजह से एक्नी ख़राब होती है। दूसरी वजह है परेशानी या टेंशन, स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीज़न है। तो इस वक्त तो पूरी कौम को एक्नी होनी चाहिए तकरीबन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, होनी तो उसमें सबको चाहिए, लेकिन इस हिसाब से देखें जो तालिबे इल्म हैं वो अपनी एक्नी रिलेट कर सकते हैं, जो मिडले कि मेरा ये इम्तिहान है मुझे जन एक्नी निकली थी, मेरी ये जॉब छूटी थी मुझे एक्नी निकली, तो स्ट्रेस इज़ अ मेजर वेरी मेजर फैक्टर। उसके अलावा कुछ मेडिसन्स हैं, कुछ दवाएं हैं जिनमें एक्नी फॉर्म इरप्शन होती है। अच्छा ये बताइए, आपने दवाओं की बात की, अभी हमने दो दिन पहले बात की थी स्किन कॉम्प्लेक्शन के हवाले से ना, फार्मूला क्रीमें जो लोग यूज़ करते हैं अपनी तरफ से, जो टोटका है लड़कियों का ख़वातीन का, क्या फार्मूला क्रीम लगाने से भी एक्नी हो सकती है? बहुत ज़्यादा, देखिए फार्मूला क्रीम का कुछ एक उसमें से मेजर कंपोनेंट स्टेरॉइड होता है। फार्मूला क्रीम ज़रा बता दें क्या होती है व्यूअर्स को, ताकि वो फिर शुरू हो जाएंगे आपके, मतलब खुद बनाया हुआ फार्मूला खुद नहीं, वो ज़्यादातर वो ब्यूटी पार्लर से बनाया हुआ होता है, उनमें एक बहुत पोटेंट स्टेरॉइड होती है, उसके अलावा दो चार चीज़ें कमर्शली अवेलेबल है जो किसी भी आपको जनरल स्टोर पर मिल जाएंगी, लेकिन उसमें से एक पोटेंट स्टेरॉइड होती है, चार चीज़ें उसमें हैं, और वो सुन के लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो चार चीज़ें उसके अंदर कंपोनेंट, उसे मेजर कंपोनेंट है एक्नी का मेजर, क्योंकि उसका वेरी इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड या कॉर्टिसोन जो है ना एक मेजर कॉज है एक्नी का, चाहे ओरली ले, जो बहुत सारे लोग किसी और वजह से स्टीरॉयड ले रहे होते, जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनको स्टीरॉयड लेनी पड़ती, उनको एक मेजर कॉज, SIUT में एज ए कंसल्टेंट उनके जाता हूँ ट्रांसप्लांट क्लिनिक में, तकरीबन 99% को एक्नी आई होती है इस वजह से कि उनको वो तो चले मजबूरी है, लेकिन ये जो हमारे जो ब्यूटी पार्लर्स में होता है कि आपका ये ट्रीटमेंट होगा और चेहरे की रंगत आपकी बदल जाएगी, आप गोरी हो जाएंगी, तो वो गोरी तो हो जाती होंगी शायद, और साथ में एक एक्नी फ्री में भी दे देते हैं वो लोग। बिल्कुल है ना, मैं तो डॉक्टर साहब ये कहता हूँ कि मैं डॉक्टरी मशवरे जो है ना वो अपने दूध वाले से, गोश्त वाले से, सब्ज़ी वाले से लेते हैं, अपनी सहेलियों से लेते हैं, कभी डॉक्टरों से आके अपनी दूसरी चीज़ों के बारे में पूछ लिया करें आके, थोड़ा डॉक्टरों से नहीं लेंगे मशवरे। नहीं तो आप ये बताइए जो हमारे ब्यूटी क्लिनिक्स हैं कितने परसेंट ब्यूटी पार्लर्स में इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, कोई आइडिया है आपको? देखिए मैं ये कहूँगा कि बहुत कम
ब्यूटी पार्लर्स हैं जो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मैं इस तरह कहूँ, ये भी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल, कि ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की वो क्रीम्स वगैरह लगा देते हैं। देखिए बात ये होती है कि होता ये है कि कट थ्रोट सर्वाइव कर, देखें मैं अपनी कम्युनिटी का भी यही हाल है, आप तो बैठे हुए हैं, आपको पता है एक जनरल ट्रेंड हमारे सोसाइटी में, उसी माशरे में रहते हैं, हैं बहुत ज़्यादा एथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं हर जगह है, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, यानी लाइक ये है कि अगर ख्वातीन या हजरात, जैसे मुझे दो दिन पहले पता चला है कि एक ज़माने में तो ख्वातीन की ख्वाहिश थी कि उनका रंग गोरा हो जाए, और ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है खैर, अब डॉक्टर बतूल आई थी, उन्होंने बताया कि मर्दों में बड़ी ख्वाहिश है, उनके पास मर्द बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा रंग जो है वो गोरा हो जाए। आजकल कुछ मैं आपको बताऊं, एक तो चीज़ें आई हुई हैं रंग बेहतर करती हैं, गोरा तन में बेहतर करती हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह आजकल तो आपके ऑप्शन आई हुई हैं, तो वो ख्वातीन से ज़्यादा मर्द उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, कहते हैं जी वो रंग बेहतर करने वाली वो इंजेक्शन क्यों, के बारे में क्या वजह हो गई, मर्दों में इतनी ख्वाहिशात ये कैसे पैदा हो रही हैं? अब ये पता नहीं कि मर्दों औरतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है मेरा ख्याल है। डॉक्टर ये बताइए, एक तो चलें वो क्रीम्स हैं, फिर दूसरा ही जो टीवी पे इश्तिहार आते हैं, दिखाते हैं एक लड़की, इसके चेहरे पे उसका रंग भी सांवला होता है, उसके चेहरे पे दाने भी होते हैं, और फिर उसका रिश्ता भी नहीं हो रहा होता, कोई लिफ्ट भी नहीं करा रहा होता, अचानक वो क्रीम लगाती है और उसका रिश्ता भी हो जाता है, लोगों के हाथ से बर्तन गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही। ये क्रीमें लगाने से भी एक्नी का कोई ताल्लुक है, और ये क्रीमें कितने तक सही हैं, इनका जो इश्तहार आते हैं? देखिए बात यह है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। अगर आप, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मीडिया पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ मेजर चैनल्स पे आप इश्तहार देखेंगे तो एक हकीम साहब लकवा से लेके, डायबिटीज़ से लेके, कैंसर से लेके हर चीज़ का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ तकवा का नहीं कर रहे हैं, लकवा का कर रहे हैं, तकवा नहीं कर रहे हैं। मेजर चैनल है सर, वो हर चीज़ का वो इलाज करें। डॉक्टर साहब उन्हीं हकीम साहब पे शुरू करेंगे जी, यहीं पे अभी बात रोकते हैं और यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त वक्त हो है नाजरीन, बात हो रही है एक्नी की, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्नी को प्रोड्यूस करने वाली जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उनसे कैसे बचें, और एक्नी जिनके हो गई है वो कैसे उसको सही कर सकते हैं। मज़ीद बातें करेंगे, वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।